छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने खैरागढ़ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत 27 दिग्गजों का नाम शामिल है। 27 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल इस लिस्ट में शामिल है। मोहन मरकाम समेत 27 दिग्गज स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। बता दें कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं और उनके साथ साथ 27 दिग्गजों के नाम भी लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बता दें कल बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम था। तो वहीं कांग्रेस की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत 27 दिग्गज स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और 27 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल शामिल हैं। मोहन मरकाम समेत 27 दिग्गज स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम समेत 27 दिग्गज स्टार प्रचारक बने हैं। बता दें कल बीजेपी ने भी स्टार प्रचारकों की अपनी लिस्ट जो है वो जारी की थी, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल थे, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी उसमें शामिल किए गए थे। अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, सीएम भूपेश बघेल शामिल किए गए हैं कांग्रेस की स्टार प्रचारक लिस्ट में और उनके साथ साथ 27 दिग्गजों के भी नाम इसमें लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ रायपुर से जुड़ गई हैं। सुप्रिया, कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल है। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जो है वो जारी कर दी है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो भाजपा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के जो है स्टार प्रचारक बनाया है। तो यहाँ पर जो है दिग्गज नेताओं के बीच प्रचार प्रसार देखने का मिलेगा, क्योंकि खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियां बड़ा दाव खेल रही है। इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा बीते दिनों की यशोदा वर्मा के पक्ष में बड़ी शक्ति प्रदर्शन की गई और रैली निकाली गई, नामांकन से पहले बड़ी रैली निकाली गई। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह शामिल हुए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रचार का जो दौर है वो जारी है और स्टार प्रचारकों की सूची भी अब जारी कर दी गई है। हालांकि अब देखना होगा कि खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से दोनों ही दिग्गज पार्टी के नेता जुटते हैं और क्या कुछ प्रचार प्रसार करते हैं और किस तरह का प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे कि जो है खैरागढ़ उपचुनाव में करते हैं जिससे कि जो है खैरागढ़ उपचुनाव में जो सीट है जिस पर बीजेपी ने भी स्थानीय को मौका दिया है, कांग्रेस ने भी स्थानीय को मौका दिया है, तो अब देखना होगा कि किसकी जीत होती है। सुप्रिया, देखिए सीएम भूपेश बघेल ने यूपी के विधानसभा चुनावों में जमकर प्रचार प्रसार किया था, पब्लिक मीटिंग्स की थी। अब खैरागढ़ उपचुनाव में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम शामिल है, तो कितना प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में खुद उनकी सरकार है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रचार से वाकई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से यूपी का मुख्य पर्यवेक्षक उन्हें बनाया गया था, हालांकि नतीजे पक्ष में नहीं आए, लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे उस प्रचार को देखते हुए कांग्रेस ने ही उन्हें अहम जिम्मेदारी दी थी। और अब छत्तीसगढ़ में ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रचार के लिए जो है मुख्य जो स्टार प्रचारक है वो बनाया गया है, तो इससे वाकई में छत्तीसगढ़ की जनता को लाभ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस और मुख्यमंत्री खुद दावा करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जारी कर दी है, जिसमें खुद सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल किया गया है। सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे।